फिल्म पद्मावती को लेकर जहां कई हिंदू और राजपूताना संगठन आवाज उठा रहे हैं, तो वहीं राजनीतिक दलों ने भी फिल्म के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और उमा भारती के बाद अब यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने भी फिल्म को लेकर बयान दिया है। योगी ने केंद्र को चिट्ठी लिखकर अपील की है कि वो फिल्म की रिलीजिंग डेट टाल दे। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के मद्देनजर राज्य में शांति बनाए रखने के लिए सीएम योगी ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में लिखा गया है कि ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ और काल्पनिक कथाओं वाली फिल्में समाज में जहर फैलाती हैं, साथ ही इससे कानून व्यवस्था के सामने गंभीर चुनौतियाँ भी खड़ी होती हैं। पत्र के मुताबिक फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही विभिन्न संगठनों में खासा गुस्सा है और कई संगठनों ने फिल्म के प्रदर्शन होने पर सिनेमाघरों में तोड़फोड़, आगजनी और सड़कों पर आंदोलन की चेतावनी दे रखी है। ऐसे में इसकी रिलीज को टाला जाए। इस पत्र में सेंसर बोर्ड से भी लोगों की भावनाओं का आदर करने की अपील की गई है। आपको बता दें कि यूपी में 22, 26 और 29 नवंबर को निकाय चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और 1 दिसंबर को इसके नतीजे घोषित किए जाएंगे। ऐसे में योगी चाहते हैं कि फिल्म की रिलीज टाल दी जाए ताकि राज्य में शांति बनी रहे। डीवी लाइव की रिपोर्ट।